नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए जो है कर लेते हैं आज का हमारा Q&A सेशन स्टार्ट, और जहां पे आप लोग पूछते हैं हफ्ते भर में मेरे से बहुत सारे सवाल और मैं देता हूं संडे को आपके सवालों के जवाब। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है उस्मान अली की तरफ से। उस्मान अली कह रहे हैं कि जो अभी मैंने एक प्रोजेक्ट की जो पूरी गाइड दी है कंप्लीट, ये प्रोजेक्ट पे पूरा रियल टाइम जो वीडियोस कब तक आएंगे? सो पहले इस क्वेश्चन का इसका आंसर कर देता हूं। उस्मान अली जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोजेक्ट का मैंने आपको पूरा गाइड दिया है, स्लोली ग्रेजुअली यू समझ लीजिए कि अगस्त तक जो है आपको बीच बीच में इसके कंप्लीट वीडियोस जो भी काम होगा वहां पे वो मैं आपको देता रहूंगा, सो दैट आप लोगों को पूरा एक गाइडेंस मिल पाए कि अगर आप भी फ्यूचर में कभी प्रोजेक्ट लेते हैं तो वहां पे आपको क्या क्या चीजें करनी होती हैं और किस तरह से सारा का सारा सेटअप करना होता है। सो ये सारी चीजें जो है स्लोली ग्रेजुअली जैसे जैसे साइट अपडेट होती जाएगी वैसे वैसे हमारा वर्क जो है वो आगे बढ़ता जाएगा और मैं आपसे सारी डिटेल शेयर करते रहूंगा। और आगे इनका क्वेश्चन है कि आपने जो नेटवर्किंग का कोर्स है वो क्यों बंद कर दिया है, अभी उसके कोई वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं? रीजन बस यही है कि अभी थोड़ा सा बहुत सारी चेंजेस चल रही हैं, बहुत सारी नई चीजें आप लोगों के लिए प्लान कर रहा हूं, तो थोड़ा सा मीटिंग्स वगैरह में इधर उधर बिजी था और बीच में ये साइट विजिट वगैरह प्रोजेक्ट के लिए जब आप लेते हो तो वहां पे आपको एक टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि आपको एक एक सिंगल पॉइंट जो है वो काउंट करना होता है। अगर आपने काउंटिंग में गलती कर दी या कुछ बिल ऑफ मटेरियल बनाने में प्लानिंग के अंदर गलती कर दी तो आपका जो प्रोजेक्ट एंड में जो है वो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो इसलिए थोड़ा सा वहां पे टाइम दे रहा हूं, इसीलिए जो है अभी नेटवर्किंग कोर्स के वीडियो जो है थोड़ा सा होल्ड पे, पर ऐसा नहीं है कि मैंने बंद कर दिया, ये कंटिन्यू यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे। मैं भी नेक्स्ट वीक से हम जो है एक वीक मतलब 5-6 दिन बाद शायद मैं स्टार्ट भी कर दूं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बंद कर दिया है। फायरवॉल यस, बस टाइम का जो कंस्ट्रेन है, ये टाइम का कंस्ट्रेन अगर मेरा खत्म हो जाता है तो बहुत जल्दी जो है आपको फायरवॉल के भी मिलने वाले हैं। आई नो कि मैंने अप्रैल में बोला था, फिर अप्रैल से अब मई आ गया, अभी भी आपको बोल रहा हूं कि क्योंकि टाइम का हर चीज बना वीडियो बनाने के लिए जो है टाइम की जरूरत पड़ती है और टाइम ही मेरे पास बहुत कम हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे जो है बाकी टाइम जो है मेरे दूसरे काम के लिए देना पड़ता है। बट ऑब्वियस है इसलिए, बट डोंट वरी, आपको मिलेंगे, जो प्रॉमिस किया है वो मिलेगा, मतलब मिलेगा। सो अगला क्वेश्चन है बेस्ट माई म्यूजिक टॉप 10। इनका क्वेश्चन है कि इनके पास जो फायरवॉल के अंदर दो वैन पोर्ट होते हैं उनको किस तरह से कॉन्फ़िगर करना होता है। सो अगर आपको ये कॉन्फ़िगर करने आते हैं वैन पोर्ट, तो वैन पोर्ट आप जो है दोनों के दोनों यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेट नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है कि आप दोनों ही पोर्ट यूज करें। आपके पास एक ISP है तो आप एक पोर्ट यूज कर सकते हैं, तो उस पोर्ट में जो IP एड्रेस वगैरह पूरे DNS और गेटवे वगैरह जो डालने होते हैं वो आपका ISP आपको प्रोवाइड करता है। जिस तरह से आप पोर्ट 1 को कॉन्फ़िगर करते हो उसी तरह जो है आप सेकेंड ISP या फिर सेम ISP से सेकेंड लाइन जो है वो आप जो है सेकेंड पोर्ट पे प्लग इन करके उसमें कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सुशांत नायक की तरफ से। वो कह रहे हैं कि मैनेजेबल स्विच बेटर हैं या अनमैनेजेबल स्विच बेटर हैं? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, फिजिकली अगर दो नेटवर्क चलाने हैं एक स्विच के अंदर तो आप वहां पे VLAN वगैरह कॉन्फ़िगर करना नहीं है, करना पड़ता है, तो वहां पे आपको मैनेजेबल स्विचेस की जरूरत पड़ती है। यानी कि एक ही स्विच को हम जब मल्टीपल नेटवर्क्स हैंडल करते हैं तो वहां पे हमें जो है मैनेजेबल स्विचेस की जरूरत पड़ती है, और पोर्ट सिक्योरिटी वगैरह है या और भी इस तरह की जो सिक्योरिटीज हैं वो अगर आपके लिए कोई इसेंशियल नहीं है, वो आपके लिए कोई एक क्राइटेरिया नहीं है, तो आप जो है अनमैनेजेबल स्विच भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपका कोई VLAN वगैरह कॉन्फ़िगर करना है और आपके पास जो है एक ही नेटवर्क के अंदर आप मल्टीपल नेटवर्क चलाना चाहते हैं तो वहां पे आप जो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा मैनेजेबल पे जाएं और VLAN के थ्रू उनको अलग अलग करके जो है चला सकते हैं। और अगर आपका कोई ऐसा कंसर्न नहीं है और कॉमन नेटवर्क है तो डेफिनेटली आप फिर मैनेजेबल वहां पे स्विच लगा के भी आपका पैसा वेस्ट क्यों कर रहे हो, तो वहां पे ऐसे केस में आपको कॉमन नेटवर्क चलाना है तो आप जो है अनमैनेज स्विच का इस्तेमाल ही करें। सो अगला क्वेश्चन है हमारा
अनु शलिन की तरफ से, उनका कहना है कि फायरवॉल को स्विच के साथ कनेक्ट करना पड़ता है या फिर उसको राउटर के साथ कनेक्ट करना पड़ता है या दोनों के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, आई थिंक आपका जो कंफ्यूजन है वो ये है कि फायरवॉल को एक्चुअली कनेक्ट किस तरह से करा जाता है। सो सबसे पहले मैं बता दूं कि ISP जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उसने जो आपके ऑफिस के अंदर जो एक राउटर दिया है, उस राउटर से जो केबल निकलेगी वो फायरवॉल के वैन पोर्ट पे जाएगी। वहां से आपकी जो फायरवॉल के अंदर लैन पोर्ट होते हैं, उस लैन पोर्ट से जो केबल निकलेगी वो आपके स्विच में जाएगी। आपका स्विच का कनेक्शन और राउटर का कनेक्शन डायरेक्ट नहीं होगा। अगर आप फायरवॉल यूज कर रहे हैं तो राउटर से केबल निकल के आपके फायरवॉल के वैन पोर्ट पे जाएगी। वहां आप वैन पोर्ट कॉन्फ़िगर करोगे, लैन पोर्ट्स कॉन्फ़िगर करोगे और लैन पोर्ट से केबल निकल के जो है आपके नेटवर्क स्विच में जाएगी और वहीं से आपके पूरे नेटवर्क के अंदर जो है पूरा इंटरनेट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो अगला क्वेश्चन है सोनू चौहान की तरफ से, जो मैंने दो वीडियो बनाए थे ISP के लिए। तो ISP में मैंने एक वीडियो में कहा था 10 से 12 लाख रुपए जो है आपको लगेंगे पूरा ISP सेटअप करने के लिए, और दूसरे वीडियो में जो मैंने कहा था 4 से 5 लाख रुपए आपके जो है पूरे लगेंगे ISP को स्टार्ट करने के लिए। मैं थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन देना चाहूंगा कि ये वेरी करता है आपकी ऊपर की आप कितना बड़ा नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं और किस सिटी के अंदर आप जो है ये करना चाहते हैं। अगर माउंटेन्स वगैरह हैं तो आपके पास हडल्स हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वहां पे आपको जो है आपका अगर एक बिल्डिंग पे लगा, बीच में जो दूसरी और भी बिल्डिंग्स आ रही हैं और आपका जो RF के थ्रू अगर नेटवर्क लेके जा रहे हैं तो वहां पे आपको सस्ता भी पड़ता है और आपको जो है फिजिबिलिटी के हिसाब से जो है डिवाइस यूज करनी पड़ते हैं। और अगर फाइबर का इस्तेमाल करते हैं तो वो जो नेटवर्क है वो एक्सपेंसिव पड़ता है। सो ये जो डिफरेंस था वो फाइबर और RF के थ्रू था। अगर सिर्फ RF पे चलते हैं तो आपका खर्चा जो है वो कम होगा, लेकिन अगर फाइबर का है नेटवर्क पूरा आप प्लान करते हैं तो वहां पे आपके एक्सपेंसेस जो है वो काफी हायर साइड पे रहते हैं। सो आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे जो है ईमेल करें ताकि मैं आपको जो है कंप्लीट गाइड दे पाऊं एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, राइट। सो अगला क्वेश्चन है यूट्यूब व्हाट्सएप की तरफ से, क्या नाम रखा है, आई लाइक इट। इनका कहना है कि CCTV का जो एक डिस्प्ले है उनको 5 से 20 किलोमीटर तक लेके जाना है, तो वो कैसे लेके जाएं। तो सी डायरेक्टली आप जो है 5 से 20 क्या मैं बोलता हूँ वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी लेके जाएं तो आपको कोई डायरेक्ट कोई नेटवर्क रेडी नहीं करना है। आप जो है अपना जो ISP है, ISP से लाइव स्टैटिक IP जिसको बोलते हैं, पब्लिक IP जिसको बोलते हैं, वो IP ले लें और वो डायरेक्ट IP जो है आपके DVR या NVR जो भी है उसमें कॉन्फ़िगर करें और उस लाइव IP के थ्रू जो है आप डिस्प्ले जो है अपने जितने भी कैमरे हैं वर्ल्ड में कहीं से भी एक्सेस करके देख सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी नहीं सिर्फ आपको 5 से 20 किलोमीटर के बीच में ही लगता है। तो ये तो था कि किस तरह से आप पूरे वर्ल्ड में एक्सेस करते हैं। और रही बात आपके कनेक्टिविटी की, तो अगर आप सिर्फ अपने लोकल नेटवर्क ही बनाकर देखना चाहते हैं तो आप पॉइंट टू पॉइंट जो है RF के थ्रू कनेक्टिविटी कर सकते हैं, जहां पे जो है आपको जैसे लोकल में आप देख रहे हैं उसी हिसाब से जो है आप IP के थ्रू जो है उसको एक्सेस करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आविस जैप की तरफ से, उनका कहना है कि उनके पास एक स्विच है जो कि फाइबर के थ्रू वो कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि Cat6 के थ्रू जो है वो मैं किस तरह से अपलिंक वगैरह करूं। सो मैं Cat6 के तरह के केबल से आप जो है बहुत ही आसानी से जो है इसको कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे स्विच को। तो रही बात आप किस पोर्ट पे कनेक्ट करें, तो आपके पास अगर स्पेयर में जो अपलिंक पोर्ट्स होते हैं वो अगर Cat6 में अवेलेबल हैं आप उनको यूज कर सकते हैं। अगर वो नहीं भी हैं आपके स्विच के अंदर तो आपके जितने भी लैन पोर्ट होते हैं आप कहीं पे भी जो है आप केबल लगा के उसको अपलिंक या किसी भी राउटर या किसी भी दूसरे नेटवर्क के दूसरे डिवाइस नेटवर्क डिवाइस के साथ में जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोहित ककरण की तरफ से, इनका कहना है कि ओएसपी के अंदर जो है एरिया 0, एरिया 10 और एरिया 20 ये क्यों होते हैं। सो थोड़ा सा क्लियर करूंगा कि ओएसपीएफ जो है एक बहुत ही अच्छी प्रोटोकॉल है
जिसमें अगर हम एरिया अगर डिवाइड नहीं करेंगे, तो जब आपने आप पढ़ा होगा कि जब सभी राउटर्स जो हैं आपस में एक दूसरे को एक टाइम शेड्यूल के बाद अपडेट देते हैं, तो वहां पे बहुत सारा ट्रैफिक जो है जनरेट होता है। अगर इसी तरह अगर एरिया वाइज हम उनको डिफाइन नहीं करेंगे, एरिया वाइज उनको डिवाइड नहीं करेंगे, तो वहां पर क्या होगा कि इतना ज्यादा ब्रॉडकास्ट बढ़ जाएगा कि आपका जो डेटा ट्रैफिक है वो तो बहुत कम रह जाएगा, उसके लिए बहुत कम स्पेस रह जाएगा, और ये आपस में जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका ट्रैफिक कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी वजह से जो है यहाँ पे एरिया का कॉन्सेप्ट लेकर आए OSPF के अंदर। और रही बात एरिया जीरो एक बैकबोन की तरह बना दिया गया कि अगर दो एरिया को आपस में कम्युनिकेट करना है तो उनको एरिया जीरो के थ्रू होकर ही जाना पड़ेगा। यानी एरिया जीरो जो है अगर OSPF के अंदर नहीं है तो आपके जो नेटवर्क है वो काम नहीं करेगा। बाकी डिटेल में आप मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, उनमें मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है, तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। सो अगला क्वेश्चन है नेताली के तरफ से, उनका कहना है कि सिस्को के कोर स्विच और PoE स्विच में क्या डिफरेंस है। सिस्को के चाहे कोर स्विच है, चाहे अनमैनेजेबल स्विच है, या PoE स्विच है, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। कोर स्विच एक L3 डिवाइस है जो कि मल्टीपल नेटवर्क्स के साथ में कम्युनिकेट करता है, और PoE स्विच बेसिकली हम जो है पावर जहां पे हमें डिवाइसेस को देनी पड़ती है वहां पे जो जो है हम PoE स्विच का इस्तेमाल करते हैं। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि PoE स्विच और कोर स्विच के बीच में क्या डिफरेंस है। और डिटेल में अगर मैंने जानना चाहते हैं तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के अपलोड कर रखी है, तो आप जो है उस पे जाके वीडियो में कंप्लीट डिटेल इसके बारे में देख सकते हैं। सो दोस्तों यही थे आज के क्वेश्चन। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का आपको जो है अपडेट मिलता रहे। सो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।